हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं, आपने फार्मेसी किया हुआ है, एक लाइसेंस आपके पास है, तो आप उस एक लाइसेंस से कितनी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों का कमेंट आता है कि भाई उन्होंने फार्मेसी कर लिया या डीफार्म कर लिया या बी फार्मेसी कर लिया, उनको एक लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है ना, उसको अप्लाई करना होता है और उनके पास आ जाता है। तो उस लाइसेंस से वो कितने मेडिकल स्टोर खोल सकती हैं? देखो, आज से कई सालों पहले तो ऐसा होता था कि कई लोग ऐसे होते थे, उनकी एक फोटोकॉपी इस दुकान में भी रख लेते थे, उस दुकान में भी रख लेते थे, तो उनकी दो दो दुकान, तीन तीन दुकान तक चलाते थे वो। उसी से होलसेल का काम भी करते थे, उसी से रिटेल का काम भी करते थे। लेकिन दोस्तों, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि सारा का सारा प्रोसीजर पूरा ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना रहते हैं, ठीक है ना। व्यक्ति का नाम, उसका लाइसेंस, प्रोप्राइटर मतलब कि जिस व्यक्ति की दुकान है वो, फार्मासिस्ट का लाइसेंस, लोकेशन की जगह कहाँ पर है, तभी जाकर कोई मेडिकल स्टोर खुलता है। तो एक लाइसेंस पर एक मेडिकल स्टोर रजिस्टर हो जाता है। अब उसी लाइसेंस पर आप दूसरी बार अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरी लोकेशन नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है कि आप दो दो तीन तीन मेडिकल स्टोर खोलें। तो ये है कि आप एक लाइसेंस पर सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।